अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले जाएं पॉइंट फाइव तो यहाँ पे हमने लिखा है रिवैम्पिंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर अब रिसेंटली जब पी एम इमरान खान ने भी चाइना का विजिट किया था तो वहाँ पर चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का कि बहुत दिक्कत कोलाबोरेट टुगेदर टू रिवेम पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर

उस केस में किया जा सकता है जब पाकिस्तान के इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर को वो टेक्नोलॉजी वो स्किल्स अवेलेबल हों उसके डिस्पोजल पे जिनकी जिनके, जिनके थ्रू पाकिस्तान इस सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको दोबारा से यूटिलाइज और डिस्कवर कर सकें तो इस हेडिंग में हमने पॉइंट लिखा है पी एम ड्यूरिंग हिज रिशन विजिट टू चाइना साउथ चाइनीस एक्सपर्टीज ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ठीक जिसमें जैसे डबलिंग मीट है मिल्क है स्किन प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट आगे अगर हम चलें क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं कोई ख़ास इनकी एक्सप्लेनेशन को इनकी ज़रूरत नहीं है लिखा है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बाय कल्टीवेटिंग न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एग्री एग्रीकल्चर लैंड ठीक यानी जिस लैंड को या जो फर्टाइल लैंड है या एरिड जो लैंड है उसके वॉल्यूम को हमने डबल करना है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एरिड लैंड अवेलेबल है उसको कम्प्लीटली या फुल यूटिलाइज नहीं हम कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए अगर ये कह लें कि हमारे पास अगर हंड्रेड मीटर स्क्वेर मीटर जो है ना लैंड अगर हमारे पास एरिड है तो उसमें से पाकिस्तान हार्डली कोई फोर्टी परसेंट हार्डली पाकिस्तान उसको यूटिलाइज़ कर रहा है तो अब कोशिश यही है सेकंड फेज में दोनों कंट्रीज़ की पाकिस्तान का जो वॉल्यूम है जिस लैंड के ऊपर जो मतलब एरिड लैंड है उसके वॉल्यूम को बढ़ाएँ ताकि वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा हो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक मार्केट की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के साथ साथ अपनी अपना जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो भी पाकिस्तान बढ़ाए अच्छा आगे लिखा है चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट एग्रीकल्चर टेक टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री अब दोनों कंट्रीज़ ने जो ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है एक ऐसा फ्रेमवर्क इन, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है जिसके थ्रू पाकिस्तान और चाइना जो है ना वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए उसको अपग्रेड किया जाए ठीक ताकि कंट्रीज़ जो एक अर्निंग सेक्टर है जो कि मेजर अर्निंग सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो अपने पोटेंशियल को डिस्कवर कर सके। अच्छा आगे चलें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो नई मतलब पाकिस्तान का एक नया एक पेपर है पॉलिसी पेपर जो कि ये डिसाइड करता है यार उसने एक ऐसी डेफिनेटिव एक मतलब एक रूट प्रोवाइड किया है पाकिस्तान के लिए कि कैसे जो कंट्री है पाकिस्तान वो अपने ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको रिटेल करेगा उनको टैकल करेगा ठीक नॉन ट्रेडिशनल से मतलब हमारा इस केस में ये है कि टेररिज्म है वाटर सिक्योरिटी है फूड सिक्योरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी है एंड सो ह्यूमन सिक्योरिटी या जिसको कम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी के जिसको हम कहते हैं उसका कंसेप्ट हमें मिलता है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से तो अब यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि जो सी का फेज टू है वो इन लाइन विथ Pakistan's newly promulgated or newly formulated national security policy. we have point. The national security policy of 2022 is a tangible manifestation of this phase vision. जिसमें हमने कहा कि एनर्जी है फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी एंड सोम तो मतलब यहाँ पर यह समझ आती है कि जो फेज टू है वो इन लाइन विथ पाकिस्तान विजन 2025 है इन लाइन विथ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 है तो ये जो तो कि बड़ी मतलब पाकिस्तान की अच्छी बात है कि जो पॉलिसी मैकिंग हो रही है वो आ, उसकी नेचर या उसकी जो ओरियनटेशन है वो अलॉन्ग सी पैक सेकेंड फेज है आगे चले जाते हैं पॉइंट सिक्स इंडस्ट्री रिलोकेशन की बात यहाँ पे करते हैं जैसे ऊपर भी हमने शायद बात की थी कि चाइना जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के अंडर या सी पे के अंडर न सिर्फ पाकिस्तान की लेबर फोर्स को ट्रेन कर रही है चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ या चाइनीज़ जो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए जो चाइनीज़ यहाँ पे कंपनीज है उनके जो लेबर फोर्स है वो पाकिस्तानी लेबर फोर्स को उन साइड जो है ना वो उनको ट्रेन किया जा रहा है चाइनीज़ जो है ना जो ट्रेन जो ऑलरेडी ट्रेंड है या जो उनके जिनको एक्सपर्टीज़ अब हासिल हैं इस मामले में वो पाकिस्तानी लेबर लेबर फोर्स को ऑन साइड उनको ट्रेन कर रहे हैं इस हेडिंग में हमने लिखा है स्टी, सेटिंग स्टील एंड मेटल रिसाइकलिंग प्लांट गवादर प्रोड्यूसिंग स्टील वर्थ ऑफ 4.5 बिलियन फॉर एक्सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट इन ऑटो सेक्टर ऑफ वर्थ 50 मिलियन डॉलर्स यानी कि इस सेक्टर में हमने क्या करना है यहाँ पे स्टील जो है ना वो एक एक रिसाइकलिंग प्लांट है मेटल्स रिसाइकलिंग मेटल रिसाइकलिंग प्लांट को स्टैब्लिश करना है ठीक है और स्टील को प्रोड्यूस करना है कितने वर्थ का 4.5 बिलियन वर्थ का स्टील हमने जनरेट या प्रोड्यूस करना है फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज ठीक है फिर आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट हमने करनी है ऑटो सेक्टर में जिसकी वॉल्यूम जो है ना वो फिफ्टी मिलियन होगी इस सब से यानी इस सब से पाकिस्तान में फोर थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड जॉब्स जो है ना वो क्रिएट होंगे आगे की तरफ चले जाते हैं। इराडिकेटिंग डिजिटल डिसकनेक्ट इन ए पांच साइड अब अगर चूंकि हम हमें पता है कि फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन सी हो चुकी है तो इस बात को इन व्यू रख के पाकिस्तान चाइना दोनों ये कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए उस नीड को मीट करने के लिए चाइना पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर की जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको चाइना पाकिस्तान में उस पर काम कर रही है तो इस वजह से पॉइंट जो फर्स्ट है वो लिखा है चाइना इज इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट ऑफ टू बिलियन बाय चाइनीज कंपनीज टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन पाकिस्तान सो एज टू इंश्योर बेटर इंटरनेट पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री पॉइंट टू हम देख लें इसी में सब पॉइंट टू बेटर पेनिट्रेशन टू एस विंग्स टू डिजिटल स्टार्टअप्स हमें चूँकि पता है कि अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड अवेलेबिलिटी अच्छी क्वालिटी की होगी तो यहाँ पर क्या होगा डिजिटल स्टार्टअप्स ऑटोमेटिकली शुरू होंगे जैसे अभी हो रहे हैं ठीक नेक्स्ट डिजिटल इकानमी उससे होगी हमारी नॉलेज इकोनमी है जिसको हमने कहा कि जैसे एक लेक्चर में हमने कहा था सिंगल नेशनल कैरिकुलम में जिसमें हम कहते हैं क्रिटिकल लर्निंग होगी ठीक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन एजुकेशन अटेंडमेंट होगी एंड सो तो यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो डिजिटल uh, डिसकनेक्ट है जिसको इराडिकेट करना है एस पे के फेस टू ने वो पर्पज एंड पाकिस्तान की जो सिंगल नेशनल कैरिकम का जो हमारे पास पॉलिसी जिस पे मतलब लेक्चर अवेलेबल है वो और विजन 2025 ये कुछ हमारे पास पॉलिसी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि इन लाइन विथ सी पेक सेकंड फेज है उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बेटर इंटरनेट पेनिट्रेशन को इंश्योर किया जाएगा उसकी वजह से क्या होगा पाकिस्तान का जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा जो कि इस टाइम ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल है आगे चले जाएं। इस टाइम हम ये पढ़ रहे हैं कि सी पैक के सेकंड फेज में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पर काम हो रहा है आर जिन पर काम होगा और जिन पर काम होने की वजह से पाकिस्तान में री इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर उसको एक इम्प्रिट्स प्रोवाइड होगा सही अब जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होगा वो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ठीक पॉइंट एट की तरफ अगर देख लें तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लाइटिंग चाइनाइटिंग चाइनाज मार्केट फॉर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन अभी आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पाकिस्तान एंड चाइना ने अब तक कोई टू जो है ना वो फीट फेट एग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना एंड पाकिस्तान ने ठीक अब रिसेंटली चाइना चाइना ने इस बात पर एग्री किया है कि चाइना की जो मार्केट है वो पाकिस्तान के लिए ओपन होगी बगैर किसी बैरियर के टेरिप एरियस के तो अब इस केस में पाकिस्तान चाइना की मार्केट को तभी एक्सप्लड कर सकता है जब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बेस है या पाकिस्तान के पास जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो डाइवर्सिफाइड नेचर हो ये ना हो कि हम लिमिटेड और कंसनट्रेट जो है ना वो हमारे मतलब पर्टिकुलर हमारे एक्सपोर्ट्स हम अगर उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करें चैनल को तो उस केस में हम लॉस में जाएंगे क्योंकि हमें पता है चाइना की जो मार्केट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है अब अगर अब उसको एक्सप्लॉय करना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाएं प्रोडक्ट जो डाइ प्रोडक्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई करें वैल्यू एडिशन की तरफ तो ले जाएं ताकि चाइना की जो मेमो मेमो साइज जो मार्केट है उसको फुल जो है ना वो हम उसको यूटिलाइज कर सकें ठीक तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है चाइना ओपन इस मार्केट फॉर पाकिस्तान टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स रिजीम बिटवीन टू नेशंस जैसे हमने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम एफ कहते हैं तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना ने अब तक दो फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना वो साइन किए हैं पाकिस्तान चाइना ने एफ टी ए यहाँ पर आप लोग ये कंसिडर कर लें इसको अच्छा थर्ड पॉइंट क्लोज अप्रोक्सीमिटी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड एंड लार्जर कंज्यूमर मार्केट अब पाकिस्तान को फायदा यह है चूँकि चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है इमीडिएट नेबर का मतलब यह कि जो डिस्टेंस कवर करना होगा एक्सपोर्ट्स uh, ने वो बहुत ज़्यादा कम है तो डिस्टेंस कम होगा तो हमारे केस में इस ये जो ट्रेड होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा ठीक कम टाइम लगेगा और टाइमली हमारे जो एक्सपोर्ट्स है जो है ना वो प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगी चाइना में तो एक ये है यानी सी पे सी पे फेस टू ने पाकिस्तान को एक ये भी फैसिलिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड की है कि इस यानी अगर पॉइंट एट की अगर बात करें तो पॉइंट एट पाकिस्तान को कंबल से पाकिस्तान के लिए नेसेसिटेट कर रहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफ़िकेशन करें अब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन तब ही होगी जब हमारी इंडस्ट्री फंक्शनल होगी इंडस्ट्री फंक्शनल तब ही होगी जब हमारी लेबर फोर्स वेल इक्विप और स्किलफुल होगी ठीक है एंड सो ऑन तो ये सारा एक मतलब पूरी चेन में काम चल रहा है अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो पॉइंट नाइन की तरफ चले जाते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग टूरिज्म सेक्टर ऊपर भी हमने शुरू में बात की थी इस डिस्कशन में कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म जो सेक्टर है उसका जो पोटेंशियल है अगर उसको सही मोबिलाइज एंड चैनलाइज किया जाए तो इसकी कैपेसिटी की पर ईयर फोर्टी बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान इससे रिसीव आर जनरेट कर सकता है जैसे स्विट्ज़रलैंड है कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पे टूरिज्म से मतलब टूरिज़्म सेंट्रिक जो स्टेट्स हैं जिनका सिस्टम सारा जो है ना वो टूरिज्म से जनरेट होने वाले रेवेन्यू से चल, चल चलता है तो पाकिस्तान भी उनको देख के अगर इस सेक्टर को पहले से अगर इसको चैनलाइज करता तो अब तक पाकिस्तान को जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट और बाहर से लोन्स की ज़रूरत पाकिस्तान को न पड़ती तो इस केस में इसी बात को रियलाइज करके पाकिस्तान एंड चाइनीज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर सो एज टू जर्मिनेट द मच नीडेड अमाउंट सही या मच नीडेड रेवेन्यू इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है द सेक्टर होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग फोर्टी बिलियन डॉलर ऑन ईयरली बेसिस इफ़ केयरफुली मोबालाइज जैसे हमने बात की ऊपर एक रिपोर्ट की भी रेफरेंस हमने रिपोर्ट रे, का रेफरेंस हमने मैंशन किया था कि कैसे पाकिस्तान का जो टूरिज्म सेक्टर है वो इस कंड पाकिस्तान को जो आई एम एफ वगैरह के डेथ्रेप से पाकिस्तान को बचा सकता है नेक्स्ट पी एम खान वर्किंग क्लोजली विथ चाइना टू हेल्प दिस सेक्टर डिस्कवर इट्स पोटेंशियल हमने ये बात की पॉइंट टेन फार्म मार्केट कनेक्टिविटी फैसिलिटेटिंग फार्मर्स ब्रेकिंग मोनोपली ऑफ मिडल मैन टू हेल्प एड्रेस फार्मर्स ग्रीवान्स ये ओबियस बात है पाकिस्तान की एगरारियन नेचर है सेमी एग्रारियन पाकिस्तान की इकानमी है जब पाकिस्तान के जो यहाँ के जो पीजेंट्स हैं या फार्मर्स हैं वो प्रॉस्पर होंगे तो समझ लें पाकिस्तान प्रॉस्पर है ठीक है जबकि पाकिस्तान में जो मिडल मैन है यानी वो इंटिटी जो कि फार्मर से प्रोडक्ट को पिक करता है और मार्केट में आके उसको बेचता है तो वो जो मिडल मैन है वो फार्मर को एक्सप्लोवाइड करता है ठीक अब जब फार्मर एक्सप्लोइड होगा तो मतलब ये कि उसको बेनिफिट्स उसका जो टॉयल है जो हार्ड वर्क है उसका रिवर्ड उसे नहीं मिल रहा तो वो सेटिस्फाई नहीं है फार्मर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो मतलब दिल से सेंसेरिटी के साथ वो अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर सकता तो अब हमने सी पैक के जो जो से सी पैक का जो सेकेंड फेज है उसमें दोनों गवर्नमेंट्स ने ये बात डिसाइड are agreed upon kiya hai ki, they will help create connectivity between form and market so as to better facilitate patients are farmers. ये एक अच्छी बात है पॉइंट एलेवन की तरफ चले जाते हैं वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन अब सीप एक सेकेंड फेज़ में भी यह भी है कि जब तक ऐसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नहीं होंगे तब तक स्किल फॉर्मली स्किल डेवलपमेंट का, का काम या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे का काम नहीं किया जा सकता इस वजह से पाकिस्तान चाइना ने सकेंड फेज़ में यह डिसाइड किया है कि यहाँ पर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है ना वो इन, 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 सेक्टर्स को या इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे कल्टिवेट और इस्टेब्लिश किया जाए ताकि उनमें जो हमारे पास लेबर फोर्स है उनको ट्रेन किया जाए उनको बेटर स्किल्स से इक्विप किया जाए यहाँ पे हमने लिखा है कैपेसिटी बिल्डअप प्रोजेक्ट होगा ठीक है इसमें स्मार्ट क्लास रूम फॉ हायर एजुकेशन तो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं या वो मतलब रिवोल्यूशनरी जो है ना वो आउटकम्स होंगे जो कि सी पे का फेज़ टू इंद्र से जार प्रोमिस कर रहा है पाकिस्तान में ब्रिंग अबाउट करने के लिए अब हम देखते हैं इस डिस्कशन में कि वो कौन कौन से वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि सी पे का फेज टू कन्फ्रेंट कर रहा है जैसे फेस वन था या जैसे एवरऑल फेस फेस की अगर ना भी बात करें तो जैसे एवरऑल सी पे का जो प्रोजेक्ट है जिसमें जिसको काफी सारे चैलेंजेस हैं अब इसमें यहाँ इस, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि फेज टू को वो कौन से प्रीनियल चैलेंजेस हैं पॉइंट वन लिखा है डोमेस्टिक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप लोग ये बात माइंड में रख लें कि अगर किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो अनस्टेबल अन्स्टेब, अन्स्टेब, अनस्टेबल हो तो उस केस में जो इन्वेस्टर है उस केस में उस कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ठीक और इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसऑर्डर की वजह से जो पॉलिसीज हैं जो कि उस नेशन के लिए अच्छी होती हैं वो स्टॉप स्टार्ट का शिकार होती हैं मसला पॉलिसी डिसकन होने की वजह से वहाँ पर जो पॉलिसीज हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होती या उनका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकलता तो एक बात पाकिस्तान को जो इशू है या पाकिस्तान जो इशू पाकिस्तान शुरू से फेस करता आ रहा है और जो ऑक्सीपे का फेस टू भी सब्जेक्ट टू दिस इशू है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कि कैसे एक इनार्किक सिचुएशन जो है ना वो पॉलिटिकल रेल में पाकिस्तान में चल रही है पॉइंट टू है इकोनॉमिक वॉलीडिलिटी अब जैसे हमने ऊपर भी बात की कि जब तक वो किसी एक कंट्री इकॉनमी जो है ना वो एक नॉन लीनियर ग्रोथ मैनर में ग्रोथ उसकी ना हो तो उस केस में उस कंट्री का सर्वाइवल और ऐसे प्रोजेक्ट की जो है ना प्रोजेक्ट्स की एक्सपीडिशियस या टाइमली कम्प्लीशन जरा इम्पॉसिबल होता है तो पाकिस्तान को जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है कि पाकिस्तान जो इकनॉमिकली डिपेंडेंट है पाकिस्तान लाइक like आईएमएफ पे एक्सटर्नल डॉलर्स पे तो एक ये भी चैलेंज है ठीक आगे चले जाते हैं पॉइंट थ्री डेथ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अब पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है जैसे हम एक प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे पाकिस्तान में द, द, जो गवर्नेस का स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है ठीक है उसमें करप्शन रिडन है ठीक उसमें मतलब आ, क्या उसको हम कहेंगे जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो वेरी रिस्पॉन्सिव नहीं है इफ़ेक्टिव नहीं है एफिशिएंट नहीं है ठीक यानी कि जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कैपेसिटी उनको इराडिकेट करने की कैपेसिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में नहीं है ठीक है और फिर गवर्नेंस या हमारे पास जो ब्योक्रेसी है बींग फेस ऑफ स्टेट उसका जो रोल है टूअर्ड्स नेशन आर पीपल वो लोग रोल प्ले नहीं कर रहे साथ ही साथ जो हमारे पास जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं वो इस पूरे जो टा, टायर प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वगैरह का मतलब कन्फर्मेशन uh, का ठीक है परमिशन जो लेने का जो सारा मतलब इतना लेंथ ही प्रोसेस है कि इन्वेस्ट इन्वेस्टर जो है ना वो डिस्कर्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली तो वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही मतलब वो वो यहाँ से चले जाते हैं तो एक इशू ये है पॉइंट फोर की तरफ चले जाएं तो राइजिंग वेव ऑफ एक्सट्रीमिज्म सोशल एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म एंड इंटॉलोरेंस जैसे कि हमें पता है कि सोसाइटी हमारी कितनी पॉलराइज हो रही है यहाँ पर जो है ना इंटॉलरेंस का फैक्टर ज़्यादा राइज़ कर रहा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो एक वो वो एक नई वेव यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी वजह से सोसाइटी रेडिकलाइजेशन का शिकार है ठीक अब सोसाइटी में टर्मोइल एंड यहाँ पे केयस हो केस हो तो फिर क्या होगा जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर कर चुके हैं वो एक मतलब एक कन्फ्यूजन का शिकार होंगे ठीक उनके माइंड में एक अनसर्टेनिटी होगी कि इस मुल्क में मतलब जो एक्सट्रीमिज़्म है उसकी वजह से कहीं उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट ना हो तो एक इशू ये भी है पॉइंट फाइव देख लेते हैं इसी में हाइबिड वो फे नेक्सोजेनस कैंपेन जैसे हमने हाइब्रिड वो के टॉपिक में देखा था कि पाकिस्तान का जो जो सी पे प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको अपोजिशन मल्टीपल फ्रंट्स पे अपोजिशन को अपोजिशन का सामना है जिसमें एक हाइब्रिड वो भी है अब जैसे कुलभूषण यादव ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इंडिया जो है ना वो ट्राई किया इंडिया इज ट्राइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान चाएना, चाएना पाकिस्तान चाइना और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो एस टू स्ट्रैंगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो एक इशू ये है जो कि कन्फर्न कर रहा है सी पैक का फेज टू पॉइंट सिक्स देख लेते हैं ग्रेट पावर राइवेलरी ट्रैंगुलर कोल्ड वॉर एंड ब्लॉक पॉलिटिक्स अब हमें बताया कि जो मेजर पावर रॉबेलरी है फॉर एग्जाम्पल यू एस इन चाइना की वजह से अब इस राइवेलरी का इम्पैक्ट डायरेक्टली सी पैक के ऊपर पड़ रहा है जैसे कि टाइम एंड अगेन प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यू एस उसने सी पैक को ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा था कि जैसे ये एक डेट रिटर्न डेट ट्रोएफ डिप्लोमेसी है चाइना की जो कि चाइना चाह रही है कि जिससे जिसके थ्रू चाइना जो है ना बेनिफिट्स एप्रूव करना चाह रही है एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान तो एक इशू ये है कि जो ग्रेट पावर रेलरी है उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक विद विध अस आर अगेंस्ट अस जैसा सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है ठीक है तो उसकी वजह से पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जो नई कोल्ड वॉर है बिटवीन दीज टू पार्स उसका पाकिस्तान हिस्सा बन रहा है बल्कि ब्लॉक पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान को थ्रस इंटू किया जा रहा है तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि सी पे का फेस टू कन्फ्रेंस सोल्यूशंस की अगर बात कर लें सोल्यूशन में यह है कि रिचर्ड हैस अपनी एक बुक में कहते हैं कि हर वो मतलब कोई भी कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती उसमें इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं आ सकती उसकी फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी तब तक वायबल नहीं हो सकती या इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि उस कंट्री के जो लीडर्स हैं वो इस बात को रियलाइज करें या ना करें कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे जब तक उनमें पॉलिटिकल मैचोरिटी कंसेंसस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं उनमें प्रोड्यूस होता तब तक उस कंट्री का कोई फ्यूचर है ही नहीं तो सबसे पहला जो काम करना है पाकिस्तान को वो ये है कि पॉलिटिकल मैचोरिटी यहाँ पे मतलब डेवलप हो पॉलिटिकल मेचोरिटी के बाद एक ऐसा यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वामेंट हो जो कि कंसेंसस पे बेस करे जो कोऑप्शन पे पर बेस करे ना कि कंबेट आर कन्फ्लिक्ट ठीक पॉलिटिकल जब यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी तो ही यहाँ पे इकोनॉमिक जो है ना वो ग्रोथ अच्छी होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ सही होगी तो ही आगे हमारे जो ब्यूरोसी है या जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो वेल फंक्शनल एंड वेल रिस्पॉन्सिव होगा ठीक है एंड सोन so इसी तरह इंटर प्रोविंशियल जो क्लैशेस हैं जिनकी वजह से सी पेक का जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो एक मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सी पेक का प्रोजेक्ट तो चाहिए गवर्नमेंट को आई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की गुड ऑफिस यूज़ करें इंटर प्रोविशियल जो क्लैशेस हैं सी से रिलेटेड को सॉल्व आउट करने के लिए ठीक है उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि वो यहां पर उसके साथ डील करने के लिए मैस मीडिया के जो ना वो के रोल को मतलब यूटिलाइज किया जाए ठीक जो यूथ है उनको ऐसी स्किल्स और ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाए कि वो डायवर्ट ना हो टूव या वो ट्रेप ना हो इन दिस ट्रेप ऑफ सैंटिफिकल टेंडेंसीज़ यानी जो हमारे पास टेरर एलिमेंट्स हैं उनके नेरेटिव को बाई बाय ना करें यूथ ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे स्किल्स उनको हमने देने हैं या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ में यूथ को यूथ को इंगेज रखे कि वो टेरर टेरर एलिमेंट के जो एलिमेंट्स के जो नेगेटिव्स हैं उनको बाय ना कर सकें इंशोर तो ये हमारे पास कुछ सोलूशनस हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान जो अभी इस टाइम सी पेक को जो चैलेंज़ का सामना है इन इशूज़ को पाकिस्तान नेविगेट कर सकता है और ये इंश्योर करा सकता है कि ये जो प्रो प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान की इकोनमी एंड फ्यूचर बेस कर रहा है इसको पाकिस्तान टाइमली कम्प्लीट करवा सकता है सो so, आज के डिस्कशन में हमने ये देखा कि जो सी पे का फेज टू है वो ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल री इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जितने पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हर पॉइंट में दो ही चीज़ें दो एलिमेंट्स मेन थे या दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हर हाल में थे एक इंडस्ट्री को रिवेम करना है दूसरी बात इम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना है एट एनी कॉस्ट ठीक है पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसको हमने बेहतर बनाना है थ्रू दिस फेस सही उसके अलावा हमारे पास जो डोमेस्टिक रिसोर्स हैं ठीक है उनको मोबालाइज करना है यूथ को चैनलाइज करना है ताकि वो प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमी सही फिर हमने बाद में देखा कि वो कुछ चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि सी पे कंफ्रेंट कर रहा है वो उनकी बात हमने की जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर है इंटरप्रोवेंशियल क्लेश हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आ, उसके बाद क्रॉनिक इकनॉमिक हमारे पास जो वॉलीटिलिटी है एंड सो ऑन फिर उसके बाद हमने सोल्यूशन की जब बात की तो वहाँ पर बल्कि एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है पुटिंग हाउस इन ऑर्डर टू नेविगेट ऑल आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग इशूज़ जब तक पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनली अब जो लीडर्स हैं पोलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारे पास डिसीशन मेकरस हैं वो इस बात को रियलाइज़ ना करें कि जब तक हम अंदर से स्ट्रोंग नहीं होंगे तब तक बाहर से स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते ठीक ये बात जब उनको रियलाइज़ होगी तो ही बाकी जो सारे इशूज़ हैं उनको डील करने में So, this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.